नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कई डीएम समेत अन्य आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने मोदी सरकार से की ये मांग। मैट्रिक व इंटर परीक्षार्थियों के विवरण को जांचेगा बिहार बोर्ड। बिहार के 11 आईएएस दूसरे स्टेट में देंगे सेवा। कोहली को याद आया पाकिस्तान वाला मैच। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मैट्रिक व इंटर परीक्षार्थियों के विवरण को जांचेगा बिहार बोर्ड। अब बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों के विवरण की जांच की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड के द्वारा इससे पहले स्कूल के विद्यार्थियों से 3 विवरण की मांग की गई थी, जिसमें विद्यार्थियों का नाम, माता पिता का नाम और विद्यार्थी की जन्मतिथि शामिल है। और अगर इनमें से किसी भी चीज में छात्रों के द्वारा कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो छात्रों को अपने स्कूल प्राचार्य के माध्यम से 1 दिसंबर तक बोर्ड में ईमेल के माध्यम से जानकारी दी जानी चाहिए, जिसके बाद बोर्ड के द्वारा त्रुटि की जांच की जाएगी। लेकिन इसके फलस्वरूप भी छात्र का नाम या माता पिता के नाम में पूर्ण रूप से बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं बोर्ड का कहना है कि अगर त्रुटि में सुधार नहीं किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल की होगी। स्टार्टअप को लेकर 5 जिलों में चलेगा जागरूकता अभियान। बिहार में स्टार्टअप को लेकर युवाओं के बढ़ते क्रेज को देखते हुए अब युवाओं के बीच 5 जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि जिन 5 जिलों में ये जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे उनमें वैशाली, गया, भोजपुर और नालंदा जिला शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक राजधानी पटना के 3 जगहों पर और भागलपुर में 1 जगह पर जागरूकता अभियान चलाया जा चुका है। बताते चले कि उद्योग विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बिहार स्टार्टअप फंड की ओर से सीड कैपिटल से लेकर हेड होल्डिंग और वेंचर कैपिटल प्राप्त करने में सहायता सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बीपीएससी 67वीं की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बीपीएससी 67वीं की मुख्य परीक्षा के शेड्यूल जारी कर दी गई है। बता दें कि शेड्यूल के अनुसार परीक्षा की तिथि 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित की जाती है। फिलहाल बीपीएससी 67वीं की मुख्य यानी की लिखित परीक्षा के लिए पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। वहीं अगर इस परीक्षा के एडमिट कार्ड की बात करें तो यह परीक्षा 1 सप्ताह पहले जारी किया जाएगा। बताते चले कि शेड्यूल के अनुसार पहली पारी यानी कि 29 दिसंबर को प्रथम पत्र में सामान्य अध्ययन और दूसरी पारी में सामान्य अध्ययन के दूसरे पत्र की परीक्षा होगी। इसके बाद 30 दिसंबर को सामान्य हिंदी और 31 दिसंबर को वैकल्पिक विषय की परीक्षा ली जाएगी। कई डीएम समेत अन्य आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है कि बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी समेत कई जिलों के डीएम 19 दिसंबर से 13 जनवरी 2023 तक मसूरी में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। वहीं सरकार के द्वारा इनके अनुपस्थिति पर प्रतिस्थानी की व्यवस्था की गई है। बताते चले कि जो अधिकारी ट्रेनिंग में गए हैं उनमें मुंगेर के डीएम नवीन कुमार, कटिहार के जिलाधिकारी उदयन मिश्रा, सुपौल के डीएम कौशल कुमार, अररिया डीएम इनायत खान, बेतिया के जिलाधिकारी कुंदन कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने मोदी सरकार से की मांग। बीते दिन शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट को लेकर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई विचार विमर्श हेतु बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस दौरान राज्य की ओर से कई मांगों का ज्ञापन निर्मला सीतारमण को सौंपा गया, जिसमें PMGSY पथों के अनुरक्षण एवं रखरखाव मद में भी केंद्रांश की राशि राज्य को उपलब्ध कराई जाए। सुदूर पंचायतों, गाँव, हाट बाजारों को प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला से जोड़ने हेतु अतिरिक्त सुलभ संपर्क योजना के तहत राज्यों को निधि उपलब्ध कराया जाए। ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन तारीफ लागू किया जाए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए नाबार्ड RIAS फंड के तहत विद्युत वितरण कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराई जाए, जैसे कई मांग शामिल किए गए। विश्व स्तरीय बनेगा दरभंगा जंक्शन। रेलवे विजन 2060 पर काम कर रहा, जिसके तहत करीब 300 करोड़ रुपए खर्च कर दरभंगा जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि जंक्शन के निरीक्षण में आए RRLT की टीम के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि दरभंगा जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए आर्किटेक्ट की ओर से 45 वर्षों में यात्रियों की बढ़ने वाली संभावित संख्या को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है और इसके तहत ही स्टेशन पर आने या जाने के लिए अलग अलग कंकोर्स का निर्माण किया जाएगा। वहीं कंकोर्स के दोनों छोर पर अलग अलग फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। बिहार के 11 IAAS दूसरे स्टेट में देंगे सेवा।
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा सूची जारी कर यह जानकारी दी गई है कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल सर्विस परीक्षा 2021 के कैडर का आवंटन कर दिया गया है, जिनमें बिहार को 3 स्थानीय समेत 10 IAS अधिकारी मिले हैं। वहीं बिहार के 11 IAS अधिकारी ऐसे हैं जिनका आवंटन दूसरे राज्य में हुआ है, जिनमें अनुसुप्रिया बिहार, राजस्थान, आशीष बिहार, मध्य प्रदेश, आयुष वेंकटेश वत्स बिहार तमिलनाडु, उमा शंकर प्रसाद बिहार, तेलंगाना करमवीर केशव बिहार, पश्चिम बंगाल अमित रंजन बिहार, महाराष्ट्र सोनिका कुमारी बिहार, पश्चिमी बंगाल विद्यासागर बिहार, गुजरात राहुल आनंद बिहार, उत्तराखंड अजीत आनंद बिहार, नागालैंड और हेमंत कुमार बिहार मणिपुर शामिल है। पेपरलेस कोर्ट बनने की दिशा में अग्रसर पटना हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस M.R. शाह के द्वारा पटना हाई कोर्ट को पेपरलेस कोर्ट बनाने की दिशा में 4 पेपरलेस बेंच का उद्घाटन कर पहला कदम उठाया गया है। वहीं इस दौरान उन्होंने क्लॉक सी व 29 जिलों में ई जस्टिस ब्लॉक का भी उद्घाटन किया, जिसके तहत महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोका जाएगा। इसके साथ ही इस मामले से जुड़ी किसी भी शिकायत को करने के लिए ऑनलाइन की भी व्यवस्था की गई है। वहीं इसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट में कुल 14 शिकायत पेटी को भी रखा गया है, जहां महिलाएं यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकेंगी। दिल्ली में नहीं होगी जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में होनी थी, जिसे अब बदल कर पटना कर दिया गया है। वहीं बता दें कि 4 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि है, जिसके बाद 7 दिसंबर को औपचारिक रूप से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली के बजाय पटना के कर्पूरी सभागार में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अगर जदयू के खुला अधिवेशन की बात करें तो इसका आयोजन 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा संबोधन कर आयोजित की जाएगी। जानकी जन्मस्थान मंदिर का तैयार हुआ डिजाइन। महावीर मंदिर न्यास द्वारा माता सीता के जन्मस्थान सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में स्थित सीता कुंड में मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए मंदिर का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। बता दें कि आकर्षक डिजाइन प्रख्यात वास्तुविद पीयूष सोमपुरा के द्वारा किया गया है, जिसकी 3D व्यू वाली प्रस्तुति महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के सामने दी गई है। बताते चले कि मिली जानकारी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा, जो कि करीब 2 वर्षों में पूरा होगा। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लालू सिंगापुर रवाना। बीते दिन शुक्रवार की देर शाम को RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य के घर रहेंगे। इस दौरान लालू यादव के साथ उनकी बेटी मीशा भारती और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी सिंगापुर के लिए रवाना हुई है। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा लालू यादव के सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर कहा कि मैं पूरा विश्वास है कि किडनी ट्रांसप्लांट पूरी तरह से सफल होगा। लालू प्रसाद के साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं, ऐसे में वे ही स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। भाजपा ने बिहार की सत्ता में आने की बनाई रणनीति। भाजपा के द्वारा बिहार की सत्ता में आने के लिए अपनी तरफ से पूरी रणनीति बना ली गई है। बता दें कि भाजपा अब संगठन से लेकर विभिन्न समितियों तक में सामाजिक समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है। विधान परिषद की 9 समितियों के सभापति पद को लेकर पार्टी ने जो सिफारिश की है, उसमें सवर्ण समुदाय की बात करें तो इसमें ब्राह्मण से मंगल पांडे, भूमिहार समाज से अनिल शर्मा, कायस्थ से संजय मयूख और राजपूत से अवधेश सिंह को 4 अलग अलग समितियों का सभापति बनाया है। वहीं पिछड़ा समाज से अशोक अग्रवाल व नवल किशोर यादव, अति पिछड़ा समुदाय से राजेंद्र गुप्ता व प्रमोद चंद्रवंशी और अनुसूचित जाति से पूर्व मंत्री जनक राम को समितियों में पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया है। हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने पहुंचा दुल्हा। ऐसे तो कई शादियां चर्चे में बनी रहती है, लेकिन इसी कड़ी में बीते दिन शुक्रवार को पटना के फुलवारी शरीफ में हुई शादी भी चर्चा में आ गई है। बता दें कि अपने दिवंगत पिता के सपने को सच करने के लिए व्यवसायी संजीव कुमार अपनी दुल्हन को लाने के लिए 20 लाख के हेलीकॉप्टर को बुक कर पहुंचे हैं, लेकिन इन सब के बाद भी दूल्हे के मन में एक कशक रह गई। दूल्हे ने कहा कि मैंने अपने पिता की इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन अगर पिताजी हमारे बीच होते तो खुशी और भी दुगनी हो जाती। दरअसल दूल्हे संजीव कुमार ने बताया कि उनके पिता रामानंदन सिंह की ख्वाहिश थी कि मां को लेकर हेलीकॉप्टर से मैं दुल्हन लेने जाऊं। कोहली को याद आया पाकिस्तान वाला मैच। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के 23 अक्टूबर 2022 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ पाकिस्तान वाला मैच को याद करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि 23 अक्टूबर 2022 मेरे दिल में हमेशा खास रहेगा। क्रिकेट के खेल में ऐसी ऊर्जा पहले कभी महसूस नहीं हुई, क्या सुहानी शाम थी वो। हालांकि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड
न्यूजीलैंड से हार गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हालत खराब थी, लेकिन नंबर 3 पर उतरे विराट कोहली ने 53 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्के की मदद से नाबाद 42 रन की पारी खेली थी और इसी के दम पर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जीत मिली थी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां शनिवार को भाव 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सुनील कुमार, सुधीर कुमार, रविशंकर, अखिलेश यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, अजय भारती, अनवर करीम खान, कुलदीप कुमार, पूजा कुमारी, रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, भान प्रकाश मौर्य, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, घनश्याम चौधरी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल आपके अनुसार स्टार्टअप को लेकर 5 जिलों में जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उससे युवाओं को कितना फायदा मिलेगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।